Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear friends, today we will discuss about the topic, some basic terms related to organic chemistry. And in this video, I will cover some basic terms like electrophiles, nucleophiles, what is the different types of covalent bond fission, and four types of effects, inductive effect, electromeric effect, resonance effect, and the hyperconjugation effect. So these topics are very, very important for plus one as well as plus two organic chemistry, and even in the higher classes also. So let's concentrate on the topic. So first topic is electrophiles and nucleophiles. One is electrophile, second is the nucleophile. So electrophile, this is made up of two words. One is electro, second is file. Electro means electron, file means loving. So it means they are also called the electron-loving species. अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के और कौन सा चार्ज है नेगेटिव. तो नेगेटिव से लव कौन करेगा? जिसके अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इट मीन्स दे मे हैव पॉजिटिव चार्ज, या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा. और इफ दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देन इन दैट केस सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन. यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे. सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. दे मे हैव नेगेटिव चार्ज और द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या है? वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब पहले हम दे रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल. अब आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, जैसे एच पॉजिटिव, एनओ टू पॉजिटिव, बी आर पॉजिटिव, सी एच थ्री पॉजिटिव. सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ले बी ई सी एल टू, बी एफ थ्री, ए एल सी एल थ्री एटसेट्रा. सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोफाइल्स. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज हैं. तो इनमें नेगेटिव चार्ज होगा सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ये सभी होंगे. या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल एन एच थ्री है, एन एच थ्री में नाइट्रोजन का वन लोन पेयर है एंड एच टू में टू लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर. सो दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स. सो नेक्स्ट टॉपिक है अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फिशन. अब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से टूटेगा, ठीक है? सो द कोवलेंट बॉन्ड फिशन विल अकर इन टू वेज. कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है वो दो मेथड से टूटेगा. फर्स्ट है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, दूसरा है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन. अब क्या है होमोलिटिक और क्या है हेट्रोलिटिक, देखिएगा. होमोलिटिक पे पहले, इफ ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट द बोथ द बॉन्डेड एटम टेक अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स. यदि कोई कोवलेंट बॉन्ड इस ढंग से टूट रहा है कि दोनों बॉन्डेड एटम जिनके पीछे बॉन्ड है दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लें, देन दिस इज कॉल्ड द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन. इन दिस टाइप ऑफ फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म. अब क्या होते हैं फ्री रेडिकल अभी पढ़ेंगे. एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट वन ऑफ द बॉन्डेड एटम टेक अवे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कि दोनों में से एक बॉन्डेड एटम क्या है पूरे ही पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ले जाता है. And in this fission, cations and anions are formed. अब कैसे है homolytic bond fission? जरा देखिएगा. पहले homolytic bond fission. Suppose कीजिए एक covalent bond जो है two A atoms है उनके बीच में present है. दो atom है उनके बीच में covalent bond present है. अब homolytic bond fission में क्या होगा? This covalent bond breaks in such a way that both the bonded atom take away their own electrons. अब आपने देखा यहाँ बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ टोटल दो इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इस ए ने दिया है, एक इस ए ने. अब ये बॉन्ड इस ढंग से टूटना है कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लें. तो इसे कैसे शो करते हैं? फिश हेड एरो से. यहाँ सेंटर से उठाएंगे हाफ एरो, वन साइडेड, जिसमें सिर्फ एक टिप है. एक टिप का लो वन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, और यदि कंप्लीट पूरा एरो जाता है तो टू इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग. तो यहां हाफ एरो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो दोनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया. अब क्या होगा?
ये दोनों ए सेपरेट हो जाएंगे, इस ए के ऊपर भी वन इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके ऊपर भी, और इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो जो ये बने हैं हमारे पास एटम है उनके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, हमने ए और ए के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है, अब हम सेंटर से ही डॉटेड लाइन लगा देंगे। डॉटेड लाइन का मतलब इसने सेंटर से बॉन्ड को तोड़ा है और दोनों को उसका उसका इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशिंग को शो करने के दो मेथड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने दे दिया H2, हमें इसकी होमोलिटिक बॉन्ड फिशिंग करनी है। देखिएगा इस तरह से तोड़ेंगे क्या बनेगा, H2+H2, ये क्या है, दीज आर द हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल होंगे क्या, सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, हैविंग वन ओड अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। अब नेक्स्ट ले हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, अभी मैंने आपको बताया हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट वन ऑफ द बॉन्डेड एटम टेक अवे देयर ओन टेक अवे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए और बी के बीच का बॉन्ड है, मान लो यहां इस बॉन्ड वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों बी अपनी तरफ ले जाता है, तो इस समय कंप्लीट एरर हुआ, तो बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, ए और बी सेपरेट। अब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं, बी के ऊपर, तो बी पर पेयर आ जाएगा और साथ साथ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, और ए से गया है इलेक्ट्रॉन वहां क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि इस केस में कैटायंस एंड अनायंस आर फॉर्म, ए पॉजिटिव कैटायन बन गया है, बी नेगेटिव अनायन। अब यदि उल्टा होता, मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ए की तरफ जाता, तब क्या बनता, ए नेगेटिव बन जाता और बी पॉजिटिव, जहां नेगेटिव है वहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेज दे सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, एच सी एल ले लिया मैंने, इसमें सी एल की तरफ भेजा, तो क्या आएगा, एच पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव। ठीक है, आप पेयर दिखा दीजिए, सी एल नेगेटिव दिखा दे, सो दिस इज द कैटायन एंड अनायन फॉर्मेशन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। अब हम चार तरह के इफेक्ट पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, देखिएगा हमारे पास, द स्टेडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द कार्बन चेन व्हेनेवर एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिटी देन कार्बन इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। कि आपके पास कार्बन कार्बन एटम की एक सिंगल बॉन्ड वाली चेन है और उसमें से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो डिस्प्लेस होंगे, एक डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेस होंगे, व्हेनेवर एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिटी देन कार्बन। कोई भी एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से डिफरेंट होनी चाहिए, या तो कम हो या ज्यादा हो। इफ इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन सा है, पहला है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई कब होना है, जहां से देखिएगा, इफ एन एटम हैविंग लेसर इलेक्ट्रॉनिटी देन कार्बन, मान लो कोई एटम है किसी एलिमेंट का जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से कम है, और एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, या फिर कार्बन चेन के एंड में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास कार्बन एटम की चेन है, और मान लो मैंने यहाँ पे एक एक्स एटम लगाया, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो उस केस में होगा क्या, हम जानते हैं कार्बन और हेलोजन एक्स में से, जो ये एक्स कोई भी एक्स हो सकता है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, एक्स की, तो क्या होगा, यहां से जो इस बॉन्ड वाले जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ, और इस एच पे क्या रहेगा, पार्शियल प्लस डेल्टा, और इस कार्बन पे क्या रहेगा, माइनस डेल्टा। अब यहां से इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएंगे, इस पे आएगा माइनस डबल डेल्टा, इस पे माइनस ट्रिपल डेल्टा। ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ हो रही है, अवे फ्रॉम दैट एक्स, एक्स से दूर जा रही है, यानी कि एक्स पे प्लस आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द प्लस आई इफेक्ट। और ये सेम केस कब और होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे सपोज कीजिए ये कार्बन की चेन है,
और मान लो मैंने यहां ERG यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया, तो नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यानी कि अपने से दूर भेजेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते रहेंगे यानी कि कार्बन चेन के एक सिरे दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे, तो इस जहां प्लस डेल्टा, इधर माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, ये माइनस डबल डेल्टा, माइनस डबल डेल्टा, देन दिस इज कॉल्ड द प्लस आई इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसा मैंने बात किया, नेम से इंडिकेट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, तो इनके एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनके मेन एग्जांपल जो है दे आर द अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स इनके एग्जांपल हैं। अब अल्काइल ग्रुप बहुत सारे हैं, तो उनमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, जरा देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इज क्या है ऑर्डर, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले CH3 3C, दिस इज कॉल्ड द टर्शी ब्यूटाइल, याद रखिएगा टर्शी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, देन CH3 2CH, दिस इज कॉल्ड द आइसोप्रोपाइल, उसके बाद CH3 CH2 CH2, दिस इज प्रोपाइल, नेक्स्ट CH3 CH2 इथाइल, और सबसे कम है CH3 दैट इज मिथाइल। सो ये सभी अल्काइल ग्रुप है, और इन्हें जिसमें प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखिए, तो टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप जो है दिस शोज मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, आइसोप्रोपाइल उससे कम, प्रोपाइल उससे कम, इथाइल उससे कम, मिथाइल सबसे कम, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट इज माइनस आई इफेक्ट। अब क्या है माइनस आई इफेक्ट, ध्यान से देखिए, अब ये प्लस आई का बिल्कुल ऑपोजिट है। इफ एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, मान लो कोई एटम है किसी एलिमेंट का है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और एनी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, विदड्राइंग मीन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ऐसा कोई ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। अब कैसे, सपोज कीजिए जैसे ये है, ये हमारे पास कार्बन चेन है, और मान लो हमने इस कार्बन चेन के एंड में क्या लगा दिया है वाई, और सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, यदि वाई की इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा, अब इस कार्बन और वाई के बीच का जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ डिस्प्लेस होगा, वाई की तरफ, वाई पर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, और यहां क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा ये अपने साथ वाले से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, उस पर प्लस डबल डेल्टा आ जाएगा, यहां प्लस ट्रिपल डेल्टा, सो दिस इज कॉल्ड द माइनस आई इफेक्ट। कि आपने क्या देखा कि जो ग्रुप जो अटैच हुआ है कार्बन चेन के एंड पे, यदि उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस डेल्टा आ रहा है, तो उस पर प्लस आई इफेक्ट, और यदि माइनस डेल्टा आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली मान लो कार्बन चेन है और कार्बन चेन के एंड में कोई मैंने EWG इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, तब भी यही सेम केस होगा कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी तरफ होगा अटैक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग की तरफ, और ये चीज चल जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द माइनस आई इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब जैसे मैंने प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था, ऐसे ही क्या है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप है और वो किसका माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है NO2, नाइट्रो ग्रुप जो है इट हैज मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद है SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप, नेक्स्ट साइनाइड, नेक्स्ट COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, उसके बाद फिनाइल CCHI फिनाइल सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है, सो दिस इज द माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, एक प्लस आई में भी लास्ट में हाइड्रोजन और ले सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास है,
प्लस आई फैट का ऑर्डर था, ये माइनस आई था, ये आपको याद रखना है। अब हमें प्लस आई फैट या माइनस आई फैट तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एनी ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज द बेसिक रेट। कि मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, देन इट विल ऑलवेज इंक्रीज द बेसिक रेट, यानी कि वो उस कंपाउंड को ज्यादा बेसिक बना देगा। एंड एनी ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक रेट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी ग्रुप जो माइनस आई वाला यदि लगा है किसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो क्या है उसके एसिडिक रेट को बढ़ाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एसिडिक रेट या बेसिक रेट को ये ग्रुप इन्फ्लुएंस डालते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप बेसिक रेट को इंक्रीज करेगा और माइनस आई वाला क्या करेगा एसिडिक रेट को, और वाइस वर्सा आप जानते ही हैं, जो बेसिक को बढ़ा रहा है वो एसिडिक को क्या करेगा डिक्रीज। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और नेक्स्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। So what is electromeric effect? It is a temporary effect which observes in the organic compounds having multiple bonds. तो first condition क्या है, ये effect कहाँ observe होगा, उन organic compounds में जिसमें multiple bonds है, यानी कि double bond या triple bond है, वहां पर show होगा। इसका ये alkanes में नहीं show होगा, single bond वालों में नहीं, double triple वालों में show होगा, ठीक है। And under the influence of any attacking reagent, अब ये effect जो है किसी अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में जब आएगा तभी शो होगा, इट मींस बिना अटैकिंग रिएजेंट के ये शो नहीं होगा। इन दिस अटैक वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड गेट्स ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड वाला जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसी भी एक एटम वन ऑफ द बॉन्डेड एटम की तरफ ट्रांसफर होगा, और मेनली किसी तरफ जाना है विच इज यूजली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। एंड इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अब ये फर्दर दो तरह का है, अब कौन कौन से इफेक्ट हैं इसके अंदर आप यदि देखेंगे तो ये भी दो तरह का है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का था ऐसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो भी टू टाइप का है। अब कौन सा इफेक्ट है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। अब क्या है प्लस ई और क्या है माइनस ई, ध्यान से देखिएगा। पहला है प्लस ई इफेक्ट। If the attacking reagent attacks on the same atom where the pi electron pair gets transferred, this is called plus effect. अब कैसे? जरा देखिए। मान लो मैंने लिया CH3CH2, this is propene. अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। अब मैंने यहां कोई अटैकिंग रिएजेंट डाला, H पॉजिटिव डाल दिया, तो एसिड डाला है, जैसे अटैकिंग एजेंट एच पॉजिटिव डाल दिया है। तो याद रखिएगा, जब तक हम कोई अटैकिंग एजेंट नहीं डालेंगे उस समय तक ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई, उस समय तक ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही एजेंट डालेंगे तभी शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट कहाँ होंगे, अब देखिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यदि इसके पास जाना है या इसके पास, लेकिन दोनों ही के हैं कार्बन है तो कहीं भी जा सकता है। तो ये पूरा पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो मैंने कहा यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और आप देखिए एच पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये एच पॉजिटिव इस यहां जाके अटैक, तो क्या बनेगा देखिए, CH3CH इस कार्बन से दूर गया इसलिए इसमें क्या गया है पॉजिटिव, डबल की जगह सिंगल, इस CH2 में क्या हुआ था नेगेटिव, ठीक है, लेकिन H पॉजिटिव यहीं जुड़ गया है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3। सो ये बन गया है हमारे पास CH3CH पॉजिटिव CH3, ये कंपाउंड की फॉर्मेशन। अब देखेंगे कि यदि ये अटैकिंग एजेंट ना होता तो उस समय ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होने थे, अब इसके आने के बाद ही ये शिफ्टिंग हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। विच ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड है मल्टीपल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग एजेंट, यानी कि अटैकिंग एजेंट है तभी शिफ्टिंग होगी, यदि वो नहीं है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। अब इसे प्लस ई क्यों बोला है, आपने देखा अटैकिंग एजेंट कौन सा है एच पॉजिटिव, इफ अटैकिंग एजेंट अटैक्स ऑन द सेम एटम वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स ट्रांसफर, तो आपने देखा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कार्बन पे, और जो अटैकिंग एजेंट है वो भी उसी जहां अटैक करता है, तो इसे क्या बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। Now, minus E effect.
माइनस ही क्या है. सपोज कीजिए मैंने लिया एक कंपाउंड HCHO, IUPAC name is methanol, it is also called formaldehyde. ठीक है, अब मैंने यहां एक reagent अटैक कर रहा हूं CNATIS cyanidine, this is the attacking reagent. तो अब आपने क्या देखा, जो methanol है या formaldehyde है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, यानी कि उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है. ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था. जैसे ही अटैकिंग एजेंट डालेंगे तो इस डबल बॉन्ड में से HCHO वाला जो सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें से वन ऑफ द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स ट्रांसफर टू वन ऑफ द एटम विच इज यूजली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाला पेयर, ये या तो इस कार्बन पे जाना है या इस ऑक्सीजन पे. ठीक है, अब देखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन है, ऑक्सीजन. वहां तो दोनों केस में कार्बन था, कहीं मर्जी भेज सकते हैं, लेकिन यहां क्या है, ऑक्सीजन. तो इसे अब कहां भेजना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास भेज दिया. अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव. तो ये सी एन इस पर नेगेटिव था, ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर. तो क्या होगा, देखिएगा एच एच सी, सी पे पॉजिटिव आया था, सी एन नेगेटिव जुड़ गया, ये सी एन डबल की जगह सिंगल बन गया, ओ उस पर क्या गया है, नेगेटिव. अब देखना है दिस इज वाई दिस इज माइनस ई इफेक्ट. अब देखिएगा इफ द अटैकिंग रीजन अटैक्स ऑन अदर एटम वेयर द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स ट्रांसफर. आपने देखा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां गया है, ऑक्सीजन के पास, और यदि रीजन ऑक्सीजन पे ही अटैक करता तब तो क्या था, प्लस ई इफेक्ट. अब रीजन ने ऑक्सीजन पे अटैक नहीं किया, इसने कहां अटैक किया है, कार्बन पे. सी एन एटी जो रीजेंट है उसने कहां अटैक किया है, कार्बन पे, यानी कि अदर एटम पे अटैक किया है, देन दिस इज कॉल्ड द माइनस ई इफेक्ट. इसे क्या बोलते हैं, माइनस ई. Now the third effect is resonance effect. It is also called the mesomeric effect. दो नाम है इसके, R effect और M effect. अब क्या है resonance effect या क्या है mesomeric effect? तो देखिएगा resonance और mesomerism involves the movement or flow of electrons in the conjugated system. यानी कि conjugated system के अंदर electrons की movement है. अब क्या है conjugated system? Alternate single and double bond होना. ठीक है, दिस लीड्स टू, यानी कि जस्ट लाइक बेंजीन के अंदर जैसा है, दिस लीड्स टू टू सेंटर्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो उस कंपाउंड के अंदर टू सेंटर्स बनेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले, यानी कि दो जहां आएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब दो प्लेसेस पर्टिकुलर निकल के आएंगे, दो पोजिशन निकल के आएंगी और दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगी. वन इज ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज. And another of higher electron density, it will acquire the negative charge. ठीक है, and this effect is called resonance or mesomeric effect. अब ये भी further two type का है, plus R effect या plus M effect, and same में से minus R effect या minus M effect. अब क्या है plus R effect या plus M effect? ध्यान से देखिए, तो a group is said to have plus R or plus M effect when the displacement of electron pair is away from it. यदि इलेक्ट्रॉन पेयर उस ग्रुप से दूर जा रहा हो तो इसका मतलब वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर या प्लस एम. एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे मैं आपके हमने OH, OR अल्कोहल ग्रुप, OR अल्कोक्सी ग्रुप, NH2, NHR, SR थायोएथर ग्रुप एंड H हैलोजन. अब सपोज कीजिए यदि ये अटैच्ड है किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, मैंने बताया कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना, नहीं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, विनाइल ग्रुप इसके साथ अटैच होना, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट उससे दूर होगी. अब कैसे, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो मैंने पहले कोई हेलोजन अटैच किया है, किससे अटैच किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सपोज कीजिए इसके साथ मैंने CL अटैच कर दिया. अब ये ग्रुप कैसा है, सीएल, दिस इज द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप शोइंग, तो जो प्लस आर शो करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर भेजेगा, तो यहां से सीएल से पूरा का पूरा पेयर जाएगा इस बॉन्ड वाले जहां पे, और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस CH2 के पास. तो रिजोनेंस है, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है, तो रिजोनेंस के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें डबल हेडेड एरो, डबल की जाए सिंगल, इस CH2 में कौन सा जाएगा, नेगेटिव, जा बन जाएगा डबल, सीएल के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन थे, अब रह गए फोर, इस पर कौन सा गया, पॉजिटिव.
तो आपने क्या देखा, रिजोनेंस की वजह से इस कंपाउंड के अंदर टू सेंटर्स बने हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोडेंसिटी के, एक जहां पॉजिटिव चार्ज दूसरे जहां नेगेटिव चार्ज आके है, ठीक है। अब ये तो था CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच करना। अब मान लो मैंने लिया बेंजीन रिंग और सपोज कीजिए मैं इसके ऊपर OH अटैच कर रहा हूं, ठीक है। तो OH भी कैसा ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप। तो ये होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दूर भागेंगे और कहां जाएंगे, बेंजीन रिंग की तरफ। तो इस तरह से ये चीज यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, दो में से एक पेयर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पेयर नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड वाले जहां पे, और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर एटम के पास, अब आगे इसी तरह से रिजोनेंस चलता रहेगा। ये रिजोनेंस जो है आपने चैप्टर फोर्थ में केमिकल बॉन्डिंग वहां भी पढ़ा है ये, और जो मैं इस समय ड्रा कर रहा हूं आप जानते हैं ये क्या है, दीज आर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल, और लास्ट में वही वापस स्ट्रक्चर आ जाएगी। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, दैट इन दिस स्ट्रक्चर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम दैट एटम और ग्रुप। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की डिस्प्लेसमेंट क्या है, OH से दूर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर OH से दूर जा रहे हैं और बेंजीन रिंग के अंदर आगे आगे मूव किए जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्लस आर इफेक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लस एम इफेक्ट। नेक्स्ट इज माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। अब क्या है माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट, ए ग्रुप इज सेट टू हैव माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स इट। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ जाए, ठीक है, तो क्या होगा माइनस आर इफेक्ट, और यदि उससे दूर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब आ जाता है कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, एग्जाम्पल देखिए तो COOR एस्टर ग्रुप, उसके अलावा NO2 नाइट्रो ग्रुप, CO कीटोन ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप एक्सेट्रा। तो ये सभी कौन से हैं माइनस आर इफेक्ट वाले हैं। हम एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, जैसे सपोज कीजिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ हमने अटैच किया COOR एस्टर ग्रुप अटैच किया। अब क्या होगा एस्टर ग्रुप अटैच करने पर, अब ये ग्रुप कैसा है माइनस आर इफेक्ट वाला है, तो यानी कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब कैसे होगा जरा देखिएगा, यहां से डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, और यहां से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाले इलेक्ट्रॉन ये यहां बॉन्ड वाले जाएंगे CH2 डबल बन जाएगा सिंगल CH, डबल सी सिंगल, इस ओ के ऊपर सिक्स इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, CH2 से दूर गए थे पॉजिटिव, और ये आगे वही होगा। तो आपने क्या देखा कि इस ग्रुप में जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचे हैं, डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ हुए हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द माइनस आर इफेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का, ये बेंजीन रिंग है, सपोज कीजिए इसके ऊपर हमने एल्डिहाइड ग्रुप अटैच किया है, दिस इज CH2। अब होगा क्या, ये इधर शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले जाए, अब ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर,
यहाँ पॉजिटिव। अब ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड वाले जहां पे आ गए, अब क्या होगा, ये यहां और ये इलेक्ट्रॉन पे वापस उस जगह पे। सो दिस इज द रिजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ, जब बेंजीन के और सीएचओ इसे बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। और यहां सीएचओ कैसा ग्रुप है, दिस इज अ ग्रुप शोइंग माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर आर डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स दैट ग्रुप। लास्ट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और क्या है नो बॉन्ड रिजोनेंस, ध्यान से देखिएगा। वी नो द ऑर्डर ऑफ प्लसा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। आपने पढ़ा है प्लसा इफेक्ट का ऑर्डर क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा, आइसोप्रोपाइल उससे कम, प्रोपाइल उससे कम, इथाइल उससे कम, इथाइल उससे कम और यह हाइड्रोजन, ठीक है। वी नो द ऑर्डर ऑफ प्लसा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप इज, ये चीज है, बट वेन एवर दीज डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच विद एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम और एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम सच एज किसके साथ, CH2CH के साथ, जिस समय यही अल्काइल ग्रुप CH2CH के साथ या कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, देन द ऑर्डर ऑफ प्लसा इफेक्ट ऑफ दिस डिफरेंट अल्काइल ग्रुप गेट्स रिवर्स्ड। तो सुनिए, ये प्लसा इफेक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, इट मीन वैसे टर्शियरी ब्यूटाइल का प्लसा इफेक्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन उस समय क्या हो जाएगा, मिथाइल का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यदि सिर्फ अल्काइल अल्काइल की बात करें, हाइड्रोजन ना काउंट करें, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब क्यों बोलते हैं इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे देखा देखेगा। मान लो मैं लेके चलता हूं, मैंने लिया CH2CH और सपोज कीजिए पहले केस में उसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा जो CH2CH है, ठीक है, दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर भी रिजोनेंस होना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इस अल्फा कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन एच पॉजिटिव रूप में जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो यहां क्या होगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये एच कैसे निकला, एच पॉजिटिव के रूप में। अब जब वो अपने रिजोनेंस इफेक्ट पड़ा था तो वहां पॉजिटिव वाली चीज जाके जुड़ गई थी, लेकिन यहां ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। और आप देखिए कि सी और ये एच पॉजिटिव अलग अलग हो गए हैं, इट मींस इनके बीच का बॉन्ड खत्म हो चुका है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्या बोलते हैं इसे, नो बॉन्ड रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस तो हो रहा है लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है, यानी कि ना तो ये एच पॉजिटिव यहां जाके जुड़ रहा है और बीच का बॉन्ड यहां पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये तो एक चीज हुई, अब बताते हैं कि इस अल्फा कार्बन के ऊपर तो तीन हाइड्रोजन थे, तो हमने यहां पर इसे भेजा है, ये भी तो जा सकता था, ये भी सपोज कीजिए मैं कहता हूं ये जाएगा, तब क्या होगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एच पॉजिटिव, तब ये स्ट्रक्चर आएगी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं ये वाला एच जा रहा है, तब क्या होगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, पॉजिटिव। सो इन दिस केस थ्री स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। अब इनमें है क्या हमारे पास, सिंपल वही रिजोनेंस का आएगा जो है, बट दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। वहां से बोला था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहां क्या बोलेंगे से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। सो इन दिस केस थ्री हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। अब यदि सपोज कीजिए मैं इस मिथाइल की जगह जो ये CH3 है, इस मिथाइल की बजाय यदि मैं टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दूं, तब क्या होगा देखिएगा, मैंने क्या किया CH2 डबल बॉन्ड CH है,
इसके साथ क्या जोड़ा है? ट्रशिबिटाइल। तो ट्रशिबिटाइल क्या होता है? CH3 3-C। अब यहां देखेंगे वही सेम केस, CH2 CH पार्ट जिस कार्बन से अटैच है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके अल्फा कार्बन के और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब आपने देखा यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस यहां पर हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं होगा, तो नो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। याद रखिएगा CH2 CH है या बेंजीन रिंग है, जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं जैसे यहां पर 1, 2 और 3, ये तीन हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से जुड़े हैं तो इन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और यही अल्फा हाइड्रोजन है दे विल शो हाइपरकॉन्जुगेशन, ठीक है, यही हाइपरकॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो यदि हमने मिथाइल अटैच किया है देन देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो यहां पर 3 स्ट्रक्चर आएंगे तो 3 हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। बट जब हमने ट्रशिबिटाइल लगाया तो यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन अब प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो नो हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म। आपने क्या देखा जो CH2 CH के साथ जब मैंने ये मिथाइल जोड़ा है तो मिथाइल का जो कार्बन CH2 CH के साथ डायरेक्टली अटैच है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच है दे आर कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। तो मिथाइल में क्या है? 1 अल्फा कार्बन है और उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यही अल्फा हाइड्रोजन जो है दे विल शो हाइपरकॉन्जुगेशन। तो इस केस में 3 हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म। लेकिन जब हमने इसके बजाय टर्शिबुटाइल लिया है तो उस केस में अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कार्बन के साथ क्या है? तीनों मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि उस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो इट मींस नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो जब अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है तो हाइपरकॉन्जुगेशन भी क्या है? अब्सेंट रहेगा। तो याद रहेगा जितनी हाइपरकॉन्जुगेशन ज्यादा होगा इसका मतलब उतनी ही हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स ज्यादा आएंगी और इतना ही प्लस साइड इफेक्ट उस ग्रुप का क्या है? ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से मिथाइल में सबसे ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन शो हो रही है क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मिथाइल का प्लस साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा हो जाएगा, और ट्रशिबुटाइल का क्या है? सबसे कम। एंड दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ प्लस साइड इफेक्ट गेट्स रिवर्स्ड एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नो बाउंड रिजल्टेंस। Clear? So this is all about my today's video, electrophiles, nucleophiles, types of covalent bond fission, aur uske baad 4 types ke effect, inductive effect, electromeric effect, resonance effect, and last one is the hyperconjugation effect on no-bond resonance. Ye sabhi effects bahut important hai. Aur next video mera jo hoga, reaction intermediates ke upar hoga, aur usme jo stability ke question hai, stability comparison ke question hai, carbocation, carbon ion free radical ki, unme ye sabhi effects use honge. So, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा एंड दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज क्लास। होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माई क्लास। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा। थैंक्स अ लॉट।